वाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत दौलामिटी के बाड़ा कॉलोनी निवासी युवक की अचानक मंगलवार को मौत होने से तरह तरह के कारण सामने आ रहे हैं, जिससे वाड़ी थाने में दिन भर पदाधिकारियों का घेराव रहा। मामले में अलग अलग तर्क लगाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार दौलामिटी के बाड़ा कॉलोनी निवासी मृतक राजेश राघव तिवारी उम्र 40 साल का ट्रांसपोर्टर का काम था। राजेश उत्तर भारतीय सभा का नागपुर महामंत्री पद पर था। मृतक राजेश की पत्नी गृहिणी है और उन्हें 3 लड़कियां हैं जिनकी उम्र 12 साल तक है। सोमवार 1 जून को मृतक राजेश अपने घर पर ही पत्नी तथा बेटियों के साथ था और तभी राजेश के दो दोस्त करण और दत्तावाड़ी निवासी तेज और अज्ञात 3 लोग ये रात करीब 11 बजे राजेश के घर पर आए और घर का दरवाजा खटखटाया। उस समय पूरा परिवार घर पर सो रहे थे। जब राजेश ने दरवाजा खोला तब बाहर करण और तेज और उसके साथी 3 लोग ने राजेश को बाहर बुलाकर लेकर गए। जबरदस्ती से दोस्त 5 मिनट बताकर राजेश को बाहर लेकर गए। तब राजेश पूरे होशावास में होने का बताया। आधे घंटे के बाद जब राजेश नहीं पहुंचा तब उसकी पत्नी ने 1 बजे देखा कि करण और तेज राजेश को घर पर लेकर आए। घर आने के बाद राजेश बिल्कुल अपनी हालत में नहीं था, जैसे कि वो बेशित हो गया हो। पत्नी ने अज्ञात से पूछा कि आपने मेरे पति के साथ क्या किया कि उनकी हालत इतनी अधमरी खराब क्यों हो गई है और होठों से खून क्यों निकल रहा था और पीठ पर बहुत गहरी और हरे हरे निशान दिख रहे होने की जानकारी पत्नी ने दी। पत्नी ने पति को क्यों मारा पूछा तो थोड़ा ही मारा और ऐसे की कर पत्नी के साथ भी छिड़खानी करने की जानकारी पत्नी ने दी। फिर कुछ समय बाद करण और तेज वहां से निकल गए। राजेश वही हालत में सो गया था और जब पत्नी सुबह 7 बजे उठी तो देखा कि राजेश मृत अवस्था में पड़ा है और उसको उठाने पर राजेश उठ नहीं रहा था। तब राजेश की पत्नी ने देवर को फोन कर बुलाया और मामले की जानकारी दी। जानकारी वाड़ी पुलिस को मिलते ही मामले का पंचनामा किया गया और मग दर्ज कर शव को परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया। आगे की जांच वाड़ी PI राजेश तटकरे के मार्गदर्शन में जारी है। जानकारी मिली है कि राजेश ने तेज और करण से 74,000 लिए थे और तेज और करण पैसे वापस मांग रहे थे, परंतु राजेश से पैसे नहीं जम रहे थे। तो 15 दिन पहले राजेश की 2-व्हीलर शाइन गाड़ी MH 31 CJ 7220 भी उन्होंने रख ली थी। FIR दर्ज होने की जानकारी फैलते ही शहर भर के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने वाड़ी थाने का घेराव किया, जिसमें वाड़ी थाने के बारे में आक्रोश व्यक्त किया गया। आखिर पोस्टमार्टम के बाद योग्य कार्यवाही करने की हामी PI राजेश तटकरे ने देने के बाद मामला शांत हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही कार्यकर्तागण अपनी अहम भूमिका निभाने का इशारा देकर गए हैं। थाने का घेराव करते समय भाजपा प्रदेश सचिव जितेंद्र पांडे, उत्तर भारतीय सभा प्रमोद सिंह ठाकुर, SP सिंह, मनोज सिंह, रीना मिश्रा, आजम खान, सौरभ झा, ब्रजेश मिश्रा, मनीष तिवारी, सचिन शुक्ला, वकील देव विश्वकर्मा, बीरू सिंह, अभिजीत पांडे, सुधीर सिंह राणा, केशव पांडे, आनंद कदम, रमेश चतुर्वेदी, अर्जुन सिंह, SN सिंह, मान सिंह ठाकुर और मोहन पाठक आदि मौजूद थे। राजेश तिवारी करके जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक महामंत्री था, वो बहुत एक अच्छा शख्स था। कल रात को 12:30 बजे 3 व्यक्ति उसके घर पे आए। 3 बजे आने के बाद उन्होंने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया तथा उसको बाहर लेके गए। बाहर लेने जाने के बाद आधे घंटे बाद जब उनके घर की वाइफ बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद जब उन्होंने देखी तो तीनों लड़के उस राजेश तिवारी को मार रहे थे। मारने के बाद जब उसकी औरत ने उसको आवाज़ दी तो उन्होंने उसको उठा के लाके घर के अंदर छोड़ा और जब घर के अंदर लाके छोड़ा तब वो पूरा तरीके से अनकॉन्शियस था। उसके बाद भी वो तीनों लड़कों की दादागिरी ये थी कि उन्होंने अंदर जाने के बाद वो लड़के को वैसे सुलाए और उसकी औरत के साथ में बदतमीजी किए। बदतमीजी करने के बाद रात के 2 बजे उन्होंने वहाँ से वापस गए। वो 3 लड़के थे, कोई एक सूर्य करण तेज प्रताप करके और एक कोई एक लड़का था। 3 लड़के थे जो कि जिसकी जानकारी हमने ने सुबह पुलिस वाड़ी पुलिस स्टेशन में आके इस चीज़ की हम लोग ने जानकारी दिए, पुलिस उनके फ़ोन नंबर तक के दिए। हमारा पुलिस स्टेशन से यही काम था कि उनको पुलिस प्रशासन उनको जल्दी से वो तीनों को उठाए और उनके ऊपर कार्रवाई करे, पर सुबह से लेकर अभी तक के पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अभी उनका बोलना है कि जब तक के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक के अभी हम आगे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और तब तक के अगर वो लड़के कहीं फरार होंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज सुबह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं है। और उस लड़के को पिछले 15 दिन से वो लड़के को टॉर्चर किया जा रहा था। उसके मोबाइल हमने पुलिस स्टेशन में जमा किया है जिसमें पूरे जो भी धमकी भरे मैसेज है वो पूरे मैसेज उस मोबाइल में है जो कि हमने पुवाड़ी पुलिस स्टेशन के PI साहब को दिया हुआ है। पर अभी तक के आज सुबह 9 बजे से हम लोग अभी शाम के 5 बजे अभी तक के कोई भी कार्रवाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई FIR नहीं है। इसके टाला जा रहा, सिर्फ बातों को टाला जा रहा, किसकी कि इनको किसका प्रेशर है, कौन से नेता का प्रेशर है या फिर इनको ये कार्रवाई आके क्यों नहीं बढ़ा रहे, कोई प्रकार का संतोषजनक हमको इन लोग जवाब नहीं दे रहे। इस कारण हमको आके यहाँ रास्ता जाम करना पड़ा और जब तक के राजेश तिवारी के हत्यारे को लाते नहीं है तब तक के हम लोग इस धरने से उठेंगे नहीं, यही रोड पे बैठे रहेंगे।
हम लोगों ने वो लड़के जो जिन लोगों ने जो आरोपी है जो मारपीट किए हैं वो लड़के 15 तारीख को एक उस राजेश के चक्कर में दूसरे लड़के को उठा लिए थे और गलती से उस व्यक्ति के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। वो कैमरे के हमने फुटेज तक इनको दिए कि यही लड़के थे और उन लड़कों की शिनाख्त उसकी वाइफ ने की, फिर भी इन लोगों ने अभी तक उस आरोपी को पकड़ा नहीं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है और ये कितनी बड़ी लचरता है प्रशासन की कि हमने उसका नंबर दिया, उसके फुटेज दिए सीसीटीवी के, उसकी आरोपी का शिनाख्त किए, अभी तक आरोपी का गिरफ्तारी नहीं हुआ और कोई प्रशासन की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ हमारे को आश्वासन ही दिया गया, कभी एपीआई बोल रहे हैं कि हमारे पीआई साहब आ रहे हैं, अभी सोए हुए हैं, दूसरे आ रहे हैं, वो बोलते तुम कुछ रिपोर्ट दो, हम दे रहे तो बोलते कि नहीं अभी एपीआई साहब पीआई साहब आ रहे हैं फिर हम कुछ देंगे, अभी पीआई साहब आए बोले हमको कुछ मालूम ही नहीं, हम संज्ञान ले रहे हैं, सुबह से लेकर के अभी तक सिर्फ संज्ञान ले रहे हैं। ये टोटल तरह से दिखा रहा है कि कितनी लचर है यहाँ की व्यवस्था। देख रहे हैं सुबह 8 बजे से सभी भाई लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, एक साथी जिसको रात को कल मार दिया गया, उसके औरत के साथ में भी उसके घर में घुस के अनैतिक प्रकार से हरासमेंट किया गया, गलत करने की कोशिश की गई, वो औरत बोल नहीं पा रही है, जैसे तैसे सुबह में आके उसका भाई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट 8 बजे दर्ज कराया, पुलिस ने उसकी बॉडी उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। लेकिन क्यों मौत हुई ये पुलिस कोई, जबकि सरकार क्या बोल रही है कि हर व्यक्ति को न्याय देने की जिम्मेदारी हमारी है, ये सरकार किस प्रकार की पुलिस प्रशासन पाल के रखी है? जब सरकार बोल रही है कि हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है तो ये पुलिस प्रशासन यहाँ पे पीआई बोलते हैं कि हम देखेंगे, सुबह से अभी शाम हो गई अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, किस प्रकार की न्याय प्रणाली है? हम लोग न्याय के लिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं भाई बहन हर कोई, हमारी बहन के साथ में हमारे भाई के साथ में जो अन्याय हुआ है, जो उसका मौत हुआ है, तुरंत उसके खिलाफ में 302 दर्ज किया जाए, अभी जो नई उसके अंतर्गत दर्ज किया जाए और उनको हत्यारे जो उनको अरेस्ट किया जाए, यही मांग लेके हम लोग सुबह बैठे हैं। मजबूरी में हम लोगों को आके यहाँ रोड पे भी किनारे में बैठना पड़ा है, अगर पुलिस प्रशासन नहीं करती है FIR दर्ज तो हम लोग रोड पे बैठेंगे और रोड जाम करेंगे, ये हम लोगों की पूरी तैयारी है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि कानून हमको हाथ में लेने पे मजबूर ना करें, अगर हम लोग कानून हाथ में लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी वाड़ी पुलिस स्टेशन के PI की होगी, हम सिर्फ मांग करें न्याय चाहिए। जो मरा है राजेश तिवारी। NBC News के लिए वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट।